अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश सूप, जिसके इंग्रेडिएंट कुछ यूँ हैं: एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून काली मिर्ची, एक टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, दो छोटे टुकड़े दालचीनी के और एक बड़ी इलायची, ढाई चम्मच कॉर्नस्टार्च और थोड़ी सी फिश और इसमें जाएगा सोया सॉस, चिली सॉस और वनीगर, और इसमें जाएंगे 7 कप पानी। हम डाल देंगे अब हम इसके घनी बनने तक वेट करेंगे और तब तक हमारी फिश भी गल जाएगी। जैसे कि घनी तैयार हो चुकी है, इसमें से हमने फिश निकाल के अलहदा कर ली थी और उसके बड़े बड़े चंक्स बना दिए थे। अब इसमें जाएंगे सॉसेस, अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। थोड़ा सा विनीगर, एक चम्मच विनीगर डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। ये जो हमने ढाई चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया था, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मिक्स हो रहा है, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे यखनी के अंदर, जो हमने मछली की यखनी बनाई थी। अभी हम इसमें कॉर्नस्टार्च डालेंगे अपनी। हमने इसमें कॉर्नस्टार्च डाल दिए, तो इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कनौर क्यूब, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे डालें चाहे ना डालें, ये ऑप्शनल है। इसमें हम डालेंगे फिश, इसके कांटे निकाल के हमने अलग कर दिए थे। अब जैसे कि देखिए, हमने फिश डाल दी, इसकी शक्ल कुछ इस तरह ही है। हमने जो एंड पे कनौर क्यूब डाला था, उसको डालने का मकसद ये था, एक तो हमारा नमक उसे पूरा हो जाता है, इस वजह से मैंने नमक स्टार्टिंग में थोड़ा डाला था। हमारे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। देंगे वो, हम इसमें अंडा डालेंगे। जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है अंडा डालने के बाद। लीजिए, हमारी दाल सा सूप रेडी है, हमारा सूप रेडी है। अब हम इसको पोर कर देंगे। लीजिए, हमारा सूप रेडी है। अब थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से डालेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।